गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी बज रहा हैगा सुबह के 8 और है ना, यहाँ पे बच्चे लोग बैठे हुए हैंगे, नाश्ता वगैरह कर रहे हैंगे, स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैंगे। तो फिर है ना अपना डेली रूटीन चलता रहेगा और मिलते हैं थोड़ी देर से। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखो बच्चे लोग है ना नाश्ता कर लिए यहाँ पे और स्कूल जाने के लिए तैयार हो। पहले अंशु भैया की आँख नहीं खुल रही हैगी और तैयार होने के लिए। अंशु भैया उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। गुड मॉर्निंग डियर। बस हो गई है हमारी गुड मॉर्निंग और आज का काम वगैरह करते करते और बच्चों लोगों का मैंने लंच बॉक्स तैयार कर दिया हैगा। लेके जाओगे? हमारा अंशु भैया क्या कर रहे हैं? हमारे अंशु भैया भैया ने नाश्ता कर लिया हैगा और आज मैं अंशु भैया का वो जल्दी जल्दी वो कर दी, जाओ जल्दी से तैयार हो। तो मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ और हम बच्चे लोग यहाँ पे साई नहाने गया हुआ है। साई नहा ले तो फिर वंशु नहाएंगे। क्या हुआ है कि बच्चों का 7:30 बजे का स्कूल था पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, तो टाइम थोड़ा चेंज हो गया हैगा। तो बच्चे लोगों का हो गया हैगा 9:45 बजे का स्कूल, तो मेरे को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है बच्चों के साथ हंसी मजाक करने का। नहीं तो सुबह के टाइम आपको मालूम है कितनी भागा दौड़ी मस्ती है कि मैं तो एक भी अपना ब्लॉग बना नहीं पाती हूँ, पर आज इसलिए मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ। चलो मैं अब अपना हॉल क्लीन करती हूँ और क्लीन करने के बाद तो फ्रेंड्स अब मैं कर रही हूँ अपनी सफाई और बेडशीट मैंने ठीक कर ली है। क्लीन बेडशीट मैंने क्लीन कर ली है और मैं यहाँ पे कर रही हूँ सफाई। अब मैं लगाऊंगी सुबह की झाड़ू। मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा ली है। मैं सोफे वगैरह क्लीन कर रही हूँ यहाँ पे और पिलो वगैरह पीछे रख रही हूँ ले जाके। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ पोछा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो बस यही होता है बच्चों के जाने के बाद डेली काम जो मैं नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी करना रहता है इसके कारण से मैं नहीं बताती हूँ। अब मेरा हो चुका है पूरा काम। तो मैंने यहाँ पे शावर ले लिया है और मैं जा रही हूँगी बाहर। आज है ना थोड़ा बच्चे लोग आ गए हैंगे स्कूल से, तो है ना थोड़ा सा गमलों का वो करना हैगा, क्योंकि गमले वगैरह है ना अच्छे से लगाना है। और आज देखिए धूप अच्छी थी ना, तो मैंने ना यहाँ पे सारे कम्बल वगैरह धूप दिखाने के लिए बाहर निकाल दिए हैंगे। तो अच्छा है ना कि कम्बल वगैरह भी धूप देख ले। तो यहाँ पर मैं बाहर जाती हूँ और देखते बच्चों के साथ थोड़ा करवा लेते हैं। तो ये देखिए ये पूरे गमले यहाँ पे उतार के रख दिए हैं इनको क्लीन। तो साई ने देखिए पूरे गमले वगैरह हटा दिए हैं और मुझे यहाँ पे बुलाया है साई ने कि देखो मम्मी कितना क्या हो गया है का। यहाँ पे ये बच्चों बहुत मस्ती कर रहा है और मैं यहाँ पे देख हमारा लगा पड़ा हैगा। ये देखिए हम भी लगे, देखो 10 ब्लॉक हो गए। तो साई अभी इतना हो गया। तो आज गमलों की चल रही है छटाई और यहाँ पे पूरा क्लीन करना है झाड़ू झाड़ के धो के और फिर गमलों पर। यहाँ पे ना इतनी कड़क धूप हो रही है, बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ गमलों में पौधे छोटे छोटे लगा लगाई। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे है ना येलो वाले बिच्छू के इनके पेड़ लगा लिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही थक गए हैं करते करते। देखिए फ्रेंड्स तो हो चुका है यहाँ पे, कितना सुंदर लग रहा हैगा और यहाँ का भी हो गया हैगा, सारे पौधों का ढेर लग गया, यहाँ की भी छटाई हो गई। आज हो ही गया, कितने दिनों से ये पेंडिंग था कि करना है करना है, तो आज ये आ गए हैं तो जल्दी से हो गया। और साई ने भी बहुत मदद करी और गंधव ने भी चुके हैंगे। अब जा रहे हैं नाश्ता करने, खाना खाने, चाय पियेंगे पहले फिर उसके बाद खाना खाएंगे। तो आज देखो कितने सारे पौधे, आज हमारे घर के सामने वाले घर के भी पौधे वगैरह की कटिंग हो गई और हमारे घर की भी, इसलिए खूब ज़्यादा ढेर लग गए हैं। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे, अभी बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा अंदर 5-1 मिनट में बैठती हूँ और पानी वगैरह पीती हूँ फिर उसके बाद जाती हूँ बाहर, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा।
तो गाइस मैंने बनाया हैगा उपमा और काफ़ी सारी मैंने सब्जियां वगैरह भी डाली है और बहुत टेस्टी यम्मी रहता है। और अभी मैं बेटू को खाने की छोड़ दूँ। मैं अपना ब्लॉग यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। और प्लीज़ 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 लाइक कीजिए। आप लोगों को मेरा वीडियो पर ज़रा सा भी पसंद आता है ना तो प्लीज़ लाइक कीजिए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।